जी हाँ दोस्तों, मैं एक वीडियो के साथ आपका स्वागत है। पेट्रोल डीजल सस्ता, होली से पहले आम आदमी को राहत मिलेगी, कीमत में हुई इतनी कम। जैसे कि दोस्तों वाहन चालकों की बड़ी राहत मिली, पेट्रोल डीजल की कीमतों में कई हफ्तों बाद गिरावट दर्ज की गई है। फरवरी के बाद पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर थे, इनमें तो बढ़ोतरी हुई है, कीमत कम हुई थी, लेकिन होली से पहले पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ। तेल कंपनियों ने 24 दिन पेट्रोल डीजल का कीमत स्थिर रखने के बाद आज कीमत में 18 पैसे और डीजल की कीमत में 17 पैसे की कमी है। सरकारी तेल कंपनियों इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की तरह हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बुधवार को कमी की है। फरवरी में 4.74 रुपये डीजल 4.52 रुपये महंगा हुआ था, जबकि बाद में फ्यूल की कीमत में इजाफा नहीं हुआ। हालांकि आज पेट्रोल में 18 पैसे और डीजल में 17 पैसे, ये झमाझम बारिश है। इसके साथ ही इसी के साथ बता दें, कटौती की राजधानी दिल्ली में लीटर पेट्रोल में 90.99 प्रति लीटर, वहीं डीजल 81.30 लीटर आ गया है। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई पेट्रोल के दाम बढ़कर क्रमशः 97.40 रुपये, 91.18 रुपये, 92.95 प्रति लीटर हो गया है, जबकि इन शहरों में डीजल के दाम क्रमशः 88.42 रुपये, 84.18 रुपये, 86.29 रुपये लीटर रहा करते थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे की तेल की कीमतों में कमी असर घरेलू के दिखने में मिले। कच्चे तेल के भाव लगभग 15-10% गिर चुका है। वहीं कोरोना का तीसरा लहर भी असर हुआ है, इसके कारण ही कच्चे तेल की कीमत में $71 प्रति बैरल की ऊँची गिरावट, $64 प्रति बैरल आ गई है। अगर मैं वीडियो कुछ लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करके बताएं कि मैं वीडियो को कैसी लगी।